इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #VSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आचार संहिता के बाद पहली बार मोदी और अमित शाह पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, 28 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने विरोध की बड़ी तैयारी कर ली है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के द्वारा चयनित उम्मीदवारों के चयन को लेकर के कार्यकर्ता यहां पर नाखुश नजर आ रहे हैं। भाजपा के अंदर लगातार बगावत देखने को मिल रही है, कई नेता यहां पर जबरदस्त तरीके से बागी हो गए हैं और उनका कहना है कि उनका टिकट काटा गया है, इसलिए अब वे यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। और वहीं अब आप लोगों को यहां पर बताते चले, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी पीएम मोदी की रैली के दौरान। और वहीं दूसरी तरफ जिन बीजेपी नेताओं का टिकट काटा गया है, उनके समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वे भी यहां पर पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरेंगे और उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। ये यहां पर दोस्तों सूत्र के अनुसार बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी के साथ यहां पर सत्यपाल मलिक ने की है तमाम मुद्दों पर बातचीत। बोले, मैं लिख करके दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। तो राहुल गांधी बोले, अब ईडी और सीबीआई की भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी के साथ में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बातचीत की है, इंटरव्यू दिया है और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा है कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और मैं लिख करके दे रहा हूं कि ये मोदी सरकार अब सत्ता में बिल्कुल भी नहीं आएगी, जनता इन लोगों के खिलाफ है। और वहीं इसके साथ ही आप लोगों के यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर के सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा हमले को लेकर के मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने कराया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि शायद ये तमाम बातें सुनकर के ईडी और सीबीआई की भाग दौड़ अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अमित शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री की बढ़ चुकी है मुश्किलें। कांग्रेस ने अमित शाह और बीजेपी के सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। कहा, छत्तीसगढ़ में दोनों ही नेताओं ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए हैं, तुरंत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और आरोप लगाया है कि भाजपा के दोनों ही नेताओं ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा के दौरान समाज के कुछ वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की नीयत से बयान दिए, जो कि आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी ने चुनाव आयोग से कुछ अन्य विषयों को लेकर के भी शिकायत की है तथा यह आग्रह किया है कि वह इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के संबंध में ज्ञापन सौंपे, जिनमें यहां पर विभिन्न मुद्दों पर 8 शिकायतें की गई हैं चुनाव आयोग से और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है दोनों ही नेताओं पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, मोदी सरकार के कुप्रबंधन से अर्थव्यवस्था बदहाल है, अधिकतर भारतीय परेशान हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले, जनता को गुमराह करने का
प्रयास लगातार जारी है। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है और अधिकतर भारतीय इस सरकार से परेशान है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार आंकड़ों को छिपाने और जनता को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोल सकते। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अक्टूबर 2023 का आरबीआई बुलेटिन बेहद ही चिंताजनक आर्थिक चलन को दिखाता है। मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिस तरह से लगातार कुप्रबंधन किया है, वो यहां पर आरबीआई ने साफ तौर पर बता दिया है। दरअसल बताते चले, आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा था कि घरेलू बचत 47 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अब केंद्र सरकार पर एक और बड़ी खबर बताते चले, राजस्थान विधानसभा चुनाव। प्रियंका गांधी ने राजस्थान की जनता को धर्म जाति की राजनीति से किया है आगाह, काम पर वोट की अपील की है जनता से। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान चुनाव के लिए झुंझुनू में एक विशाल रैली को संबोधित किया है। बताते चलें आप लोगों को, प्रियंका गांधी ने कहा है कि आपकी ये जो मिट्टी है, इसने देश को बहुत कुछ दिया है। इसके साथ ही यहां पर प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह सरकार सारी कंपनियों को एक एक करके अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही है। और वहीं उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ दो उद्योगपति हैं और उनकी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे कारोबार हैं जिससे रोजगार नहीं बनते हैं। ये भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो यहाँ पर रोजगार भी लोगों से छीनती है और वहीं एक भी नौकरियां नहीं निकालती है। इस सरकार में महंगाई बढ़ती है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है और अब जनता को यहां पर ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनका सीधा इशारा भाजपा की तरफ था। ये यहां पर प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से भड़की है भाजपा पर। तो वहीं एक और अपडेट बताते चले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है बड़ा कदम। कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटों पर बदले हैं अपने उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने पूर्व घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, इन प्रत्याशियों का लगातार विरोध किया जा रहा था जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को यहां पर कंट्रोल करने के लिए देख सकते हैं कि 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां पर बदले हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थीं, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।